गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म देखे थे. ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या क्या चेंजेस थे वो हम देखते हैं. कि फाइनेंशियल सेक्टर आरबीआई बिफोर लिबरलाइजेशन, फाइनेंशियल सेक्टर का जो कंट्रोल कर रहा था वो कौन कर रहा था? आरबीआई. ठीक है, कौन कर रहा था? आरबीआई. ठीक है, सारे डिसीजन कौन लेता था? फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहा था? आरबीआई कर रहा था. ठीक है, बिफोर लिबरलाइजेशन. लेकिन कब? लिबरलाइजेशन से पहले जो आरबीआई था वो रेगुलेटर था. ठीक है, सारे जितने भी कमर्शियल बैंक है उन पर सब पर जो कंट्रोल करता था वो कौन करता था? आरबीआई करता था. ठीक है, बट आफ्टर 1991 के बाद क्या हुआ? फैसिलिटेटर ऑफ कमर्शियल बैंक क्या बन गया? जो हमारा आरबीआई था वो क्या बन गया? फैसिलिटेटर ऑफ कमर्शियल बैंक. एंड कमर्शियल बैंक क्या हो गए? फ्री हो गए कि वो इजीली अब क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते हैं. वो क्या हो गए? फ्री हो गए. ठीक है, तो रेगुलेटर से क्या बन गया? फैसिलिटेटर बन गया. और फैसिलिटेटर में जो हमारा आरबीआई है वो क्या डिसीजन ले सकता है कमर्शियल बैंक के लिए? कि वो देख सकता है कि हमको मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर, कि मनी का सप्लाई कितना किया जाना चाहिए. ठीक है, वो डिसीजन ले सकता है. लेकिन अब आप देखेंगे कि जो पहले लिबरलाइजेशन से पहले जो हमारा आरबीआई था वो रेगुलेटर था कमर्शियल बैंक का, लेकिन अब वो क्या बन गया? फैसिलिटेटर बन गया. ठीक है, तो ये चेंज आए थे हमारे किस में? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट क्या था? फिस्कल रिफॉर्म. फिस्कल रिफॉर्म में क्या आते हैं? गवर्नमेंट्स के रिवेन्यू आ जाएंगे और क्या आएंगे? एक्सपेंडिचर. इट मीन्स गवर्नमेंट को कहाँ से रिवेन्यू होती है? रिवेन्यू कहाँ से होती है? टैक्स लगाती है ना. और टैक्स कौन कौन से थे आपके? डायरेक्ट टैक्स हो गया. और कौन से टैक्सेस थे आपके? इनडायरेक्ट टैक्सेस थे. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स लगाती थी. और कौन से टैक्सेस लगाते थे? इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते थे. गवर्नमेंट को रिवेन्यू किससे होती थी? टैक्सेस से होती थी. ठीक है, बिफोर 1991 टैक्स कॉम्प्लेक्स हैवी बर्डन था. टैक्स क्या था? कॉम्प्लेक्स होता था. ठीक है, लोग क्या करते थे? टैक्स को चोरी करते थे. ठीक है, और हैवी बर्डन होता था किस पर? जो हमारे फिस्कल रिफॉर्म था उससे आप देखेंगे कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस लग रहे थे उससे हैवी बर्डन आ रहा था. और टैक्स क्या हो रहा था? बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था. लेकिन आफ्टर 1991 के बाद देखेंगे कि जो आपका टैक्स था वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया. ठीक है, सिंपल बना दिया. अब आप देखेंगे क्या आ गया? जीएसटी. ठीक है, आप देखेंगे जीएसटी से जो हमारा टैक्स का बर्डन है वो क्या हो गया? शिफ्ट हो गया. ठीक है, आप एक पर ही नहीं आपका टैक्स का बर्डन, टैक्स का बर्डन आप क्या कर सकते हैं? इजीली शिफ्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या थे आपके? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म थे. ठीक है, अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बाद हम क्या देखेंगे? एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म. एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में हम क्या देखेंगे कि हम फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे किस तरीके से हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे थे. तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म कैसे आया था? हमारी रुपी का क्या हो गया था? डीवैल्यूएशन हो गया था. डीवैल्यूएशन का मीन्स अब हमारी कंट्री की जो करेंसी थी उसका जो करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. ठीक है, लेकिन दूसरी कंट्री के लिए तो क्या हो गया? ये बेनिफिशियल हो गया ना, उनको तो हमारी कंट्री की जो करेंसी है इजीली सस्ते में मिल जाएगी. तो आप देखेंगे कि वो इजीली क्या करने लगे? एक्सपोर्ट करने लगे. एक्सपोर्ट हमारे क्या होने लगे? इंक्रीज होने लगे. और जो दूसरी कंट्रीज थी वो इजीली हमारे कंट्री में आकर इजीली क्या कर सकती हैं? इंडस्ट्रीज को इजीली एस्टेब्लिश भी कर सकती. ठीक है, तो ये क्या थे हमारा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म से मैं आप क्या देख रहे थे कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हुआ था. ठीक है, आप देखेंगे कि क्या हो गया था? हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया था. इट मींस आप हमारी करेंसी की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. ठीक है, तो हमारे एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री के लिए तो क्या हो गए? ईजी हो गए ना, कि वो हमारी कंट्री से कम पैसे में और ज्यादा माल क्या करने लगे थे? परचेज करने लगे थे. तो हमारे एक्सपोर्ट क्या हो गए? इंक्रीज हो गए. इसलिए हमने अपनी करेंसी का क्या कर दिया? डिवैल्यूएशन कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई थी. जो पहले कोटाज और टैरिफ्स लगे हुए थे, टैरिफ्स मीन्स जो हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज इतनी ज्यादा चार्ज की जाती थी, अब वो सारी ड्यूटीज आपकी क्या कर दी गई? हटा दी गई. और जो कोटाज फिक्स किए हुए थे कि आप इतने रुपीज का कहीं क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो सारे क्या कर दिए गए? अब हटा दिए गए. ठीक है, तो ये थे आपके फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म, और ये क्या थे आपके? एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म. ठीक है, अब क्या आया था? प्राइवेटाइजेशन आया था. प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो गवर्नमेंट की जो सारी इंडस्ट्रीज थी वो किसको सेल कर दी गई? प्राइवेट सेक्टर को. ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर को क्यों सेल की गई? क्योंकि आप देखेंगे पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बहुत सारी क्या देखी गई थी? डीमेरिट्स देखी गई थी. इसमें क्या आया था? प्राइवेटाइजेशन आया था. अब प्राइवेटाइजेशन क्यों आया था, क्यों नीड हुई थी? फर्स्ट तो क्या था? की रोल ऑफ पीएसयू,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ये क्या हुआ था, आप देखेंगे कि जो हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन आया था उसमें की रोल कौन प्ले कर रहा था, की रोल प्ले कर रहा था पब्लिक सेक्टर। सारी इंडस्ट्रीज किसके हैंड में थी, पब्लिक सेक्टर के हैंड में थी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाय स्प्रेड ऑफ पीएसयू पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज। ये तो सही था कि जैसे ही पीएसयू आया था तो हमारे एग्रीकल्चर से हमने कहां पर स्टार्ट करना शिफ्ट कर दिया, हमने स्टार्ट कर दिया एग्रीकल्चर से, हम कहां पर शिफ्ट होने लगे, इंडस्ट्रीज पर शिफ्ट होने लगे, ठीक है। PSU gave us Navratnas. PSU ने हमको क्या दिया, Navratnas, it means 9 big industries दी, like कौन कौन सी हो गई, ONGC, HP, Bheel, HCL, ये हमारे क्या थी, 9 big industries थी जो हमको किसने दी थी, PSU ने, public sector undertaking ने हमें क्या दी थी, 9 big industries दी थी public sector undertaking के अंदर। क्या आए थे, क्या मिले थे हमें, Navratnas, it means 9 big industries मिली थी, ठीक है। 1991 गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेलिंग इट्स इक्विटी टू प्राइवेट सेक्टर, लेकिन 1991 में गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम अपने जो भी पब्लिक सेक्टर है इसको किसको सेल कर देंगे, प्राइवेट सेक्टर को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। फिर 1991 के बाद आपका क्या देखेंगे, प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब प्राइवेटाइजेशन के गेन्स क्या थे और लॉसेस क्या थे, ठीक है, तो गेन तो क्या थे कि क्या क्या प्रॉफिट हुए पीएसयू से, जो हमारा प्राइवेटाइजेशन हुआ उससे हमें क्या क्या प्रॉफिट हुए थे, तो गेन्स क्या हुए, इंक्रीज सेल्फ इंटरेस्ट विच रिजल्ट हाई प्रोडक्टिविटी। आप देखेंगे कि पहले सारा कुछ किसके हैंड में होता था, पब्लिक सेक्टर के हैंड में होता था, तो गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन लेती थी, ठीक है, हमारा कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं होता था। लेकिन अब ये सारी इंडस्ट्रीज क्या हो गई, हमारे खुद के हैंड में आ गई। अब जितना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा हमें क्या होगा, प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब हम क्या करने लगे, सेल्फ रिजल्ट सेल्फ इंटरेस्ट लेने लगे, और सेल्फ इंटरेस्ट का हमारा क्या रिजल्ट रहा कि हाई प्रोडक्टिविटी हो गई, प्रोडक्शन क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा, किससे, प्राइवेटाइजेशन से। इट इंक्रीजेस अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन का मतलब हम अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज में लेने लगे, और हमारा क्या होने लगा, मॉडर्नाइजेशन हुआ, ठीक है, नई नई टेक्निक्स आई, नई नई टेक्निक से हम लोग क्या करने लगे, प्रोडक्शन करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि आपकी अब जो गुड्स और सर्विसेज थी वो बहुत सारे क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज आने लगी, बहुत टाइप्स की गुड्स और सर्विसेज को हम क्या करने लगे, प्रोड्यूस करने लगे, तो डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, प्रमोट कंज्यूमर सोविजिनिटी, कंज्यूमर सोविजिनिटी का मतलब क्या हो गया, अब कंज्यूमर क्या बन गया, किंग हो गया, ठीक है, हमारे मार्केट का किंग कौन हो गया, कंज्यूमर। तो सारे डिसीजन किसके बेसिस पर लिए जाएंगे, अब किंग के बेसिस पर, ठीक है। ये क्या थे, हमारे प्राइवेटाइजेशन के गेन्स थे। अब गेन है तो भाई क्या होंगे, लॉसेस तो होंगे ना, तो आप प्राइवेटाइजेशन के लॉसेस क्या थे, डिस्ट्रॉय सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। आप देखेंगे जो हमारा पैटर्न था ना, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, पहले जो सोशल वेलफेयर को हम ध्यान में रखते थे, जो पीएसयू थे उनका मेन मोटिव क्या होता था, सोशल वेलफेयर होता था। लेकिन आप देखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनका क्या होगा, उनका मेन मोटिव क्या, अर्न करना होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है। उनका जो मेन मोटिव होगा वो क्या करना था, सोसाइटी को ध्यान में रखना नहीं था, वो अपना क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर का क्या करते थे, मतलब उन्होंने कंज्यूमर का वेलफेयर नहीं सोचा, ना सोसाइटी का वेलफेयर देखा, उनका मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो वीकर सेक्शन सोसाइटी, वीकर सेक्शन सफर डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन का मतलब कि जो लॉसेस हो रहे थे ना सबसे ज्यादा, वो किसको हो रहे थे, वीकर सेक्शन को, क्योंकि आप देखेंगे गुड्स और सर्विसेज के प्राइस इतने हाई हो गए थे कि जो वीकर सेक्शन था वो उनको परचेज भी नहीं कर पा रहा था, तो सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ था इससे, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, ठीक है। तो ये गेन्स हो गए और ये क्या हो गए, लॉसेस हो गए। स्टूडेंट्स थैंक यू, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।